I still remember that day. I was in 9th class and I have a moment in my life when I realized कि अगर medical college में admission ना हुआ तो what I will do, what will be my career look like in the future. And as everyone said, medicine is for those who cannot imagine doing anything else. And that was the same story with me. Hey friends, welcome back to the channel. If it is your first time visiting here, my name is Zirak and I'm a junior doctor working in Lahore, Pakistan. And this is a self-reflection kind of video in which I will reflect and share my experience that what I have gone through to become a doctor in Pakistan, and if I have to start all over again, what I would do differently. It will be helpful for all the 9th, 10th, first year and second year students. Let's start with 9th class, the year of uncertainty. This may have कॉम्पिटिशन के अंदर एंटर हो रहे होते हैं. दिस इज़ द ईयर यू डिसाइड कि आपने फ्यूचर में डॉक्टर बनना है. एंड द मोमेंट यू डिसाइड, यू हैव टू डिवाइस अ स्ट्रेटजी, अ प्लान, अ स्टडी स्केड्यूल, अ स्टडी स्ट्रेटजी, किसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट टू ईयर्स इन द मैट्रिक स्टडी करेंगे एंड फ्यूचर में नेक्स्ट टू ईयर्स इन FSC स्टडी करेंगे एंड आफ्टर दैट MD GAT में स्टडी करेंगे टू गेट एडमिशन इन अ गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल. सो दिस इज़ द ईयर, दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट जिसमें आप अपना पूरा माइंड सेट एक बनाते हैं कि नाउ दिस इज़ द फ्यूचर, दिस इज़ द पाथवे जिसमें आपने फ्यूचर में 5 years चलना है टू गेट टू योर डेस्टिनेशन. आई ग्रैस्प द आइडिया कि देर इज़ अ फिक्स क्राइटेरिया टू फॉलो दैट इंक्लूड्स 10% मार्क्स फ्रॉम योर मेट्रिकुलेशन, 40% मार्क्स फ्रॉम योर FSC एग्जाम्स एंड 50% मार्क्स फ्रॉम योर MD GAT एग्जाम. So you have to score good in matriculation, then score excellent in FSC and score brilliantly in your MD GAT exam. So जब मैं 9th क्लास में आया तो मुझे सारी पिक्चर नज़र आ रही थी कि फ्यूचर में मैंने इस तरह स्कोर करना है टू गेट टू माई डेस्टिनेशन. तो इन माई मेट्रिकुलेशन बहुत 9th एंड 10th क्लास मेरी स्टडी रूटीन इस तरह होती थी कि मैं सुबह 8 AM टू 2 PM स्कूल जाता था जिसमें मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अटेंड करने हैं, कुछ टेस्ट हैं उनको प्रिपेयर करके उनको अटैम्प्ट करना है स्कूल के अंदर ही. एज सुन एज आई केम होम लाइक 2:30 to 3 PM मैंने 3 hours की ब्रेक लेनी है, 3 hours रिलैक्स करना है एंड 6 PM ऑनवर्ड, 6 PM टू रात के 12 AM मैंने 6 hours कंप्लीट सेल्फ स्टडी करनी है जो मैंने सुबह के टाइम स्कूल में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं. लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट बायोलॉजी, तो बायोलॉजी का मैंने एक इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा है जिसमें वो जनरल डेफिनेशंस हैं काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स की, वो मैंने स्कूल में पढ़ी है. तो मैंने उसी दिन रात को आके वो सारी डेफिनेशंस को याद करना है बिकॉज इन मेट्रिकुलेशन द रूल इज़ साइंस सब्जेक्ट्स के जो बुक में लिखा है ना आपने एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड वैसा ही एग्जाम पेपर में लिखना है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे. इवन एक सिंपल जो डेफिनेशन है लाइक हिस्टोलॉजी, अगर आप वो किसी और बुक की डेफिनेशन भी लिख देंगे एग्जाम में तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे बिकॉज द एग्जामिनर्स दोज आर चेकिंग योर पेपर फ्रॉम लाइक 5 to 10 years, उनको वो बुक की डेफिनेशंस बिल्कुल रटी हुई होती हैं. तो ज़रा भी उससे डिफरेंट वर्डिंग आ जाए ना तो वो उतने मार्क्स नहीं देते. एंड आई एम टेलिंग इट फ्रॉम माई ऑन एक्सपीरियंस. सो आपको बुक की बुक लाइनिंग याद करनी होती है. बायोलॉजी में सेम अप्लाइज फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, जो बुक में लिखा है आपको वही याद करना पड़ता है. एंड टू लर्न ऑल ऑफ दोज बुक्स, दोज लैंग्वेज एंड टू राइट इन द पेपर, व्हाट यू हैव टू डू इसके आपको पूरी बुक्स आनी चाहिए. एंड द ईजिएस्ट वे टू लर्न एंड रिमेंबर द होल बुक इसके आप डेली के डेली पढ़ें. लाइक स्कूल में जो भी आपने 3 pages, 4 pages पढ़े हैं सब्जेक्ट के, आप घर आके उनको याद कर लें उसी दिन, क्योंकि नेक्स्ट डे आप उससे आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. अगर आपने पहले दिन का ही जो टॉपिक पढ़ा अपने घर जाके उसको नहीं याद किया तो नेक्स्ट डे आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फिर घर आके आप उसको याद करेंगे तो वो आपने पहले ही नहीं याद किया हुआ तो आप सेकंड वाले भी नहीं याद कर पाएंगे, कंटिन्यूटी नहीं बनेगी. सो मैंने ये डिसाइड किया हुआ था कि मैंने अपने लिए स्टडीज़ ईजिएस्ट पॉसिबल बनानी है. आई डोंट वॉन्ट टू बर्डन माई सेल्फ. एंड अपने आप को बर्डन लेस करने के लिए सिंपल रूल यही होता है कि आप डेली की डेली पढ़ें. अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का कोई भी टॉपिक, आप उस दिन आके घर में पढ़ेंगे ना आपको बहुत कम टाइम लगेगा उसको याद करने में एज़ कम्पेयर्ड कि अगर आप उस दिन नहीं पढ़ते, किसी और दिन आप जाके उस टॉपिक को याद करेंगे तो आपको वो भूल गया होगा, उसी दिन आपके माइंड में बिल्कुल फ्रेश होता है. सो दिस वॉज द थिंग जो मुझे 8th क्लास में ही बिल्कुल अच्छी तरह से याद होगी भी थी कि मैंने इस रूल को फॉलो करना है. एंड आई फॉलोड दिस रूल इन 9th क्लास एंड 10th क्लास कंप्लीट 2 years. इवन कि मैंने FSC में भी यही रूल फॉलो किया था बट हम उसके बाद में करेंगे. सो 9th एंड 10th क्लास में मैंने यही रूल फॉलो किया कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये 3 subjects होते हैं मेन साइंस के, इनके जो जो टॉपिक्स मैं स्कूल में पढ़ता था उसी दिन मैंने घर आके 6, 7, 8 ये 3 hours मैंने रखे होते थे कि फर्स्ट आवर मैंने बायोलॉजी पढ़नी है कंप्लीट, सेकंड आवर में केमिस्ट्री पढ़नी है, थर्ड आवर में फिजिक्स पढ़नी है. तो मैं 3 hours रखे होते थे रोज़ाना और
स्टार्ट में मुश्किल होता था कि एक और में ना आपने जो स्कूल में पढ़ा होता था टॉपिक वो आपको ना याद करने में टाइम ज़्यादा लगता था, लाइक 2 आवर्स आपको लग जाते थे. सो लाइक आप जब 9th क्लास के फर्स्ट मंथ में हैं ना, तो आपको बायोलॉजी में आपने जो स्कूल में टॉपिक पढ़ा है उसको घर आके याद करने में मे बी 2 आवर्स लग जाएँ. सो ये तीनों साइंस सब्जेक्ट्स आपको मे बी 6 आवर्स लग जाएँ. लेकिन अगर आप ये रूटीन फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे तो लाइक 3-4 मंथ्स आपने यही रूटीन फॉलो किया तो लाइक इन द 5th मंथ आपके लिए वो इतना ईजी और आप यूज़ टू हो गए होंगे, आपका माइंड इतना यूज़ टू हो गया होगा कि आप उसको 1 आवर में कर लेंगे. फिर आपके लिए ना एजुकेशन ईजी हो जाती है, लर्निंग आपके लिए बहुत आसान हो जाती है. सो उन 2 ईयर्स में मैंने यही रूल को फॉलो किया कि हमारा सिलेबस जो होता था कम्प्लीट 1 ईयर का वो लाइक 6-7 मंथ में कम्प्लीट होता था. तो जो 6-7 मंथ थे स्टार्ट ऑफ द ईयर के बहुत इन 9th एंड 10th क्लास मैंने डेली डेली आके साइंस सब्जेक्ट्स याद करने हैं, उनको रिवाइज करना है जो मैं टॉपिक्स पढ़ता हूँ. अपार्ट फ्रॉम साइंस सब्जेक्ट्स जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते थे इंक्लूडिंग उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, पाक स्टडीज, उनके भी मैंने फिक्स आवर्स रखे होते थे, लाइक 1 आवर फॉर इंग्लिश, 1 आवर फॉर उर्दू, हाफ आवर फॉर इस्लामियात, हाफ आवर फॉर पाक स्टडीज. बिकॉज इन द एग्जाम आपके साइंस सब्जेक्ट्स में मार्क्स कंप्लीट आ जाते हैं लेकिन जो मेन मार्क्स का डिफरेंस लाते हैं वो आपके उर्दू, इंग्लिश, पाक स्टडीज, इस्लामियात वाले मार्क्स होते हैं. सो हमारे टीचर्स ने हमें स्टार्ट से बताया हुआ था कि आपके साइंस सब्जेक्ट में मार्क्स आ जाएंगे सबके एक जैसे, लेकिन जो डिफरेंस आएगा वो उन्हीं सब्जेक्ट्स में से आएगा और आपने इनको भी अच्छी तरह से पढ़ना है. और इनका भी मैंने एक स्ट्रेटजी इनकी बनाई हुई थी कि मैंने डेली की बेस पे 1 आवर उर्दू पढ़नी है, इवन के नेक्स्ट डे उर्दू का कोई टेस्ट नहीं भी है. मैंने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से ही एक पूरा स्केड्यूल अपना अलहदा से बना के रखा हुआ था कि मैंने डेली 1 आवर में उर्दू में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतना टॉपिक पढ़ना है, ये इतनी नज़म याद करनी है, इतनी गज़ल याद करनी है, जो भी मतलब उसका सिलेबस होता था, ये वाला चैप्टर पढ़ना है, इसकी रुदाद करनी है या ये ख़त याद करना है, लाइक इस तरह करके ना हमारे जो 7-8 मंथ्स में हमारा सिलेबस कंप्लीट होते हैं. मैंने वो डिसाइड किया हुआ था कि मैंने 7-8 मंथ्स में कंप्लीट सिलेबस एक दफ़ा पढ़ लेना, उसको याद कर लेना, ताकि उसके बाद मेरी रिवीजन हो, जो हमारे फुल बुक टेस्ट होते हैं वो हो, बाद में मैं अपनी जो एग्ज़ाम अटेम्प्टिंग स्किल है उसको मैं पॉलिश कर सकूं. सो यही रूटीन को मैंने 9th क्लास 10th क्लास दोनों ईयर्स में फॉलो किया. हमारा 8-9 मंथ में सिलेबस कंप्लीट हो जाता था, उसके बाद 2-3 मंथ्स में एक्सटेंसिव टेस्ट सेशन होते थे जिसमें हम लोग अपनी राइटिंग इम्प्रूव करते थे कि टेस्ट टेकिंग स्किल्स किस तरह होती है, आपने पेपर अटैम्प्ट किस तरह करना है. सो ये साइकिल इस तरह फॉलो होती रही 9th 10th दोनों ईयर्स में. फिर मेरे 9th क्लास का जब रिजल्ट आया, आई स्टिल रिमेंबर, मेरे 443 मार्क्स से आउट ऑफ 480, एंड मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा मार्क्स है कि ये बहुत ज़्यादा मार्क्स आ गए हैं, क्योंकि 8th क्लास में मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे. आई नेवर कंसिडर्ड माई सेल्फ अ वेरी इंटेलिजेंट या आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट. मेरे माइंड में हमेशा से ये था कि आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन एंड हार्ड वर्क ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑलवेज विन. ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए हार्ड वर्क करें और वो अनरिवॉर्डेड जाए या आपको उसके रिजल्ट्स ना मिलें. सो जब मेरी 9th क्लास में 443 मार्क्स आए, ऑल तो मुझे इतनी खुशी हुई कि ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं, एंड जो एक ट्रेजेक्ट्री थी वो उसका एक फर्स्ट पॉइंट मेरा सेट हो गया था. नाउ आई मेड द माइंड और मुझे यकीन हो गया कि इतने मार्क्स अगर 9th क्लास में आ गए हैं तो ऑब्वियसली 10th क्लास में मैं इससे भी ज़्यादा इंप्रूव करूँगा, एंड जो ग्राफ है वो एज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा और 10th क्लास में और अच्छे मार्क्स आएंगे. सो मैंने यही स्ट्रेटजी को 10th क्लास में भी फॉलो रखा कि जैसे ही ईयर स्टार्ट हुआ, स्टार्ट के ईयर से ही फर्स्ट डे जो केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ाया मैंने फर्स्ट डे ही घर जाके उसको रिवाइज किया, याद किया. सेम गोज़ फॉर बायोलॉजी, सेम गोज़ फॉर फिजिक्स, और इस तरह करते करते डेली के डेली 7-8 मंथ्स 9th मंथ में जब वो पूरा बुक्स कंप्लीट हुई है, सिलेबस कंप्लीट हुआ, तो मेरा भी जो लर्निंग था वो साथ साथ कंप्लीट हुआ. फिर इसी तरह उर्दू, इंग्लिश जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको 1 आवर डेली बेसिस पे पढ़ना है कि आज ये 1 आवर है, मैंने ये ऐसे याद करना है, तो इस ऐसे को मैंने याद किया, इस ऐसे को बुक में अच्छा नहीं लिखा हुआ, इसको राइट करना है, तो डिफरेंट रिसोर्सेज से मैंने ऐसे प्रिपेयर किया, उसको याद किया. फिर 10th क्लास के एग्ज़ाम हुए एंड फिर एग्ज़ाम्स का रिजल्ट आया एंड आई गॉट 990 मार्क्स आउट ऑफ 1050, और ये मेरे लिए बहुत अच्छे मार्क्स थे. इट गोज़ लाइक 93-94% मार्क्स एंड मेरा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, एंड दैट वॉज द मोमेंट आई रियलाइज कि आई अचीव्ड समथिंग. इट इज़ जनरली सेड दैट कि आपको जब रिजल्ट्स नज़र आ रहे हो ना तो आपकी इंट्रेंसिक मोटिवेशन वैसे ही बढ़ जाती है. सो सेम गोज़ फॉर मी जब मेरा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, जहाँ पर हर टीनेजर, हर इंटर स्टूडेंट का ख्वाब होता है कि उसका वहाँ पर एडमिशन हो, बिकॉज वहाँ क्रीम ऑफ लाहौर आती है और लाहौर के बाहर से भी जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ने आते हैं वो अपने एरिया के फैसलाबाद, सरगोधा वगैरह के टॉपर्स होते हैं, और वहाँ पर एक ऐसा हब है ना GCU, और वो ऐसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि जो GCU में आके पढ़ लेता है ना, फिर वो उनके हमेशा फ्यूचर में ड्रीम्स, बिग ड्रीम्स होते हैं. दे ट्राई टू बी अ टॉप गन इन व्हाटएवर फील्ड दे गो,
सो यही चीज़ मुझे जिस यूँ में आके भी फील हुई और मुझे काफ़ी अच्छा भी फील हुआ कि मैंने ये जो 2 ईयर्स इस तरह से अपनी सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म करके, एंड इट वाज ट्रू, जब आप मैट्रिकुलेशन में आए थे आपकी सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। बिफोर मैट्रिकुलेशन, बिफोर 9th क्लास, आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट अलॉट, आई यूज़ टू गो टू डिफरेंट वेकेशंस, अपने रिलेटिव्स वगैरह के साथ बहुत मिलना। आई वॉज़ वेरी एक्सट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन, लेकिन जैसे ही मैं 9th क्लास में आया था एंड आई रियलाइज़ कि कॉम्पिटिशन इतना टफ़ है, इतने टफ कॉम्पिटिशन के लिए आपको इतने मार्क्स लाने के लिए आपको डेली इतना आर्ट्स पढ़ना पड़ेगा, तो आपका पूरा माइंड ना शिफ्ट हो जाता है टूवर्ड स्टडी, और आप ये सारी सोशल गैदरिंग वगैरह के साथ कोप अप नहीं कर सकते। यू हैव टू लीव दैम बिहाइंड दैट फॉर योर गोल, और यही गोल को मैंने रखते हुए लाइक 4 to 5 years अपने इसी तरह रखे थे कि किसी से इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं। आई डिडेंट यूज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक तो तब था ही नहीं, सो ये ऐप्स भी मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता था। सो मेन फोकस सारा ही स्टडी की तरफ था, विच गेव बैक इन द फ्यूचर। नाउ देर इज़ अ कम्प्लीट डिफरेंस इन योर स्टडी स्केड्यूल। फर्स्ट ये कि आपको ना ये डिसाइड करना पड़ता है कि आप यूनिवर्सिटी के साथ चलेंगे अपनी स्टडीज़ को लेके या अकेडमी के साथ चलेंगे। जैसे ही आप ये डिसाइड करते हैं ना, फिर आप एक एंटिटी को माइंड में रख के उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करते हैं। लाइक अगर आप एकेडमी को मेन प्रायोरिटी देते हैं कि आपने उसके अकॉर्डिंग चलना है, तो जो आपने एकेडमी में बायोलॉजी में पढ़ा है, जो फिजिक्स में पढ़ा है, जो केमिस्ट्री में पढ़ा है, आपने ना उसको नेक्स्ट डे की एकेडमी स्टार्ट होने से पहले रिवाइज कर लेना। या आप यूनिवर्सिटी को प्रायोरिटी देते हैं तो यूनिवर्सिटी में जो लेक्चर्स हुए हैं आपने नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी आने से पहले पहले उन सारे लेक्चर्स को याद कर लेना। सो वट आई डिड इफ यू टॉक अबाउट माई ऑन एक्सपीरियंस, के यूनिवर्सिटी बहुत लेट स्टार्ट हुई थी जबकि अकेडमीज आपके मैट्रिकुलेशन के फ़ौरन बाद स्टार्ट हो जाती हैं। सो मैंने अकेडमी फ़ौरन ही मैट्रिकुलेशन के बाद स्टार्ट कर ली थी, और मैंने जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट की तो मेरा हाफ सिलेबस कम्प्लीट हो गया हुआ था, तो मुझे वो हाफ सिलेबस यूनिवर्सिटी में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। सो मैंने वट आई डिड के मैंने अपनी जो अकेडमी थी उसको मेन प्रायोरिटी बना ली कि अकेडमी में जो जो पढ़ रहा हूँ वो मैंने साथ साथ याद कर लेना है, कि जब मेरी यूनिवर्सिटी की क्लासेस स्टार्ट होंगी उससे पहले मुझे हाफ सिलेबस ऑलरेडी आता होगा। दैट्स व्हाट आई डिड। सो बिफोर स्टार्टिंग द यूनिवर्सिटी मेरा स्केड्यूल यही होता था कि मैंने 8 to 10 अकेडमी जाना है, जिसमें 3 hours 3 science सब्जेक्ट्स के हैं, 2 hours इंग्लिश उर्दू का है। 10 बजे जैसे ही मैंने घर आना है ना, तो 12 बजे तक मैंने ब्रेक लेनी है 2 घंटे की, 12 to 2 AM, ये जो 2 घंटे हैं इसमें 1 hour मैंने इंग्लिश पढ़नी है, 1 hour उर्दू पढ़नी है। उर्दू पढ़ते साथ ही ना 2 बजे मेरा स्लीप टाइम हो जाता था, मैंने सो जाना है। अब वो जो 2 hours है ना, उसमें मैंने उसी तरह अपना कंप्लीट जो FSC फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसको मैंने डिवाइड किया होता था कि इसमें इस ईयर में इतनी गज़लें हैं, इतनी नज़में हैं, इतने उर्दू के चैप्टर्स हैं, इतने सियाक व सबाक हैं, जो भी हमारा पेपर जिस पैटर्न से आता था वो इतना सारा सिलेबस है उसको मैंने लाइक 6 to 7 months में डिवाइड किया होता था कि हमारा इतने मंथ्स में सिलेबस कम्प्लीट होना है। तो वो 1 hour में मैंने वही रखा होता था कि मैंने इस 1 hour में इतना ये चैप्टर पढ़ लेना है, इतनी मैंने एक नज़म को प्रिपेयर करना है, इतनी गज़ल को प्रिपेयर करना है। सो ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स ये 2 hours आपको देखने में लगता है कि बहुत शॉर्ट है, लेकिन ये पाइल अप इन द लॉन्ग रन, और आपका सिलेबस अगर आप इस तरह कवर कर लें तो ये बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन करवा देता है। सो मैं ये 2 hours इंग्लिश उर्दू बस पढ़ता था, फिर मैंने सो जाना है। सुबह मैंने लाइक 8-9 बजे उठना है बिफोर स्टार्टिंग माई यूनिवर्सिटी, 8-9 बजे मैं उठ गया। अब मेरे पास 6 बजे अकेडमी जाने का टाइम है, आई हैव लाइक 8 to 9 hours लेफ्ट। अब इसमें मैं यही करता था कि जो सब्जेक्ट अकेडमी में हमें बायोलॉजी का पढ़ाया है, बायोलॉजी के लाइक 3 pages हमने पढ़े हैं, मैंने वो सुबह के टाइम लाइक 1.5 hour या 2 hours में मैंने बायोलॉजी के वो सारा याद करना है कि हमने क्या पढ़ा था। अब बायोलॉजी जो FSC की है वो थोड़ी एक्सटेंसिव है, उसको याद करने की स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट है, एंड द मेन स्ट्रेटजी दैट आई फॉलो इट इज़ के मैं हेडिंग्स बना बना के ना बायोलॉजी की बुक को याद करता था। सेम प्रिंसिपल अप्लाइज के जो बुक में लिखा है आपने वही एग्जाम में लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। थोड़ी सी भी वर्डिंग आप चेंज करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, एंड इट इज़ अ ट्रायल एंड टेस्टेड थिंग। सो अब बायोलॉजी के लाइक 3 pages हैं, जिसमें से आपने शॉर्ट क्वेश्चंस भी याद करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी याद करने हैं। सो मैं अपनी बुक के ऊपर ही हेडिंग्स बना लेता था, लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट नोमेनक्लेचर टॉपिक, जो कि आई थिंक FSC में था फर्स्ट ईयर में। अब वो नोमेनक्लेचर एक पैराग्राफ लिखा हुआ काफ़ी बड़ा सा, लेकिन वो काफ़ी ना फसी सा है, वो आपको ना समझना पड़ता है थोड़ा सा। अब मैंने उस पूरे पैराग्राफ के लाइक 10 to 12 हेडिंग्स बनाई हुई थी कि, और फिर मैं ना यही करता था कि वो हेडिंग्स पहले याद करता था, उसके बाद मुझे हेडिंग से ही याद आ जाता था कि इसके अंदर टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, तो फिर मैं उस हेडिंग से अकॉर्डिंग ना वो टेक्स्ट को लिख लेता। सो हेडिंग के अकॉर्डिंग टेक्स्ट को याद रखना ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ही ईजी हो जाता है। सो बायोलॉजी में मैं इसी तरह हेडिंग्स बना बना के सारे टॉपिक्स को याद करता था। अब एक टॉपिक आ गया है 2 pages का, उसमें मैंने हेडिंग्स बनाई हुई है लाइक 10 to 12 हेडिंग्स, पहले मैं हेडिंग्स को याद करूँगा, उस हेडिंग्स के अकॉर्डिंग जो उसके अंदर टेक्स्ट लिखा है मैं उसको याद करूँगा, तो मेरा पूरा टॉपिक ना प्रिपेयर हो जाएगा। इफ़ आई
टॉक अबाउट फिजिक्स, फिजिक्स में मैं हेडिंग्स बना बना के टॉपिक्स को याद करता था कि एक टॉपिक लिखा हुआ है उसमें कितनी डिफरेंट पॉइंट्स हैं, डिफरेंट पॉइंट्स की हर एक डिफरेंट पॉइंट की डिफरेंट हेडिंग है, तो मैं हेडिंग्स को पहले याद कर लिया, बाद में टेक्स्ट को याद किया। एंड इससे आपकी जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाती है, आपको हेडिंग्स पता हो, आप पहले हेडिंग लिखें बाद में उसमें टेक्स्ट लिखें, तो आप काफ़ी अच्छा आपका पेपर भी प्रेजेंटेबल हो जाता है। सेम अप्लाइज फॉर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में डिफरेंट रिएक्शंस होते थे, रिएक्शंस की मैं हेडिंग बना लेता था कि इस रिएक्शन ये किस दो मेटल्स का आपस में रिएक्शन है, इनकी क्या हेडिंग है। सो इस तरह करके जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं ना इन द होल एफएससी, मैंने इनको हेडिंग्स बना बना के याद किया था ये थ्री बुक्स को। फिर इफ़ आई टॉक अबाउट इंग्लिश, तो इंग्लिश का उसी तरह मैंने वन आवर रखा हुआ था डेली बेसिस के, मैंने इस वन आवर में इंग्लिश पढ़नी है, सो मैं उस वन आवर में इंग्लिश पढ़ता था। फिर वन आवर उर्दू का मैंने रखा था, उस तरह पढ़ता था। इस तरह मैंने इस्लामियत का भी वन आवर रखा था डे में। यही स्ट्रेटजी मैं मेट्रिकुलेशन में भी फॉलो करता हुआ आ रहा था, यही मैं एफएससी में भी फॉलो कर रहा था। बस फ़र्क इतना था कि एफएससी की बुक थोड़ी सी एक्सटेंसिव थी, तो जहाँ पर उनको वन आवर लगता था मुझे मेट्रिकुलेशन में, यहाँ पर मुझे वन एंड हाफ आवर या टू आवर्स डेली बेसिस पर लग रहे थे। लेकिन मैं कर ये डेली बेसिस पर रहा था, बिकॉज मुझे पता था कि मैंने एक भी दिन स्किप किया ना, अगर मैंने एक दिन बायोलॉजी के थ्री पेजेस पढ़ लिए, मैंने वो घर जाके उनको नहीं याद किया, तो अगले दिन मैं जाके बायोलॉजी के नेक्स्ट थ्री पेजेस पढ़ूंगा और फिर मैंने अब उनको जाकर घर याद करना है या मैं पुराने दिन वाले याद करूंगा, तो वो चीज़ें मैस्ड अप हो जाएंगी और मुझसे वो नहीं हो पाएगा। सो मैंने ये एक डेस्टिन रूल रखा हुआ था कि जो मैंने पढ़ा वो मैंने उसी दिन घर जाके याद करना है। इस तरह करते करते जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है, जब उस चैप्टर का टेस्ट आता है, तो आपने डेली बेसिस पर याद किया ना, तो आपको चैप्टर प्रिपेयर करना भी बहुत ईजी हो जाता है। लाइक आपको 7 to 8 hours लगते हैं एक्सटेंसिवली आपको चैप्टर प्रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने डेली बेसिस पर ना याद किया, आप सिर्फ टेस्ट डे पर जाकर उसको याद करें, तो आपसे 6 to 7 hours में चैप्टर नहीं याद होता। अगर आप करते भी हैं तो वो इतना प्रॉपर याद नहीं होता, आपको भूला हुआ होता है आधा। आप फिर वो उसका टेस्ट प्रिपेयर करते हैं, टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं, तो आपके पूरे मार्क्स भी नहीं आते। सो दिस क्रिएट्स अ हर्डल इन योर प्रिपरेशन। फिर जब सारे चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं, आपके हाफ बुक के पेपर्स आते हैं, तो आप हाफ बुक को भी अच्छी तरह अटेम्प्ट नहीं कर पाते, बिकॉज आपका जो चैप्टर वाइज भी होता है वही प्रॉपर प्रिपेयर नहीं हुआ होता। तो ये स्टार्ट से ही इस प्रॉब्लम को अगर आप अवॉइड करें, डेली बेसिस पे आप स्टडी करें, तो इन द लॉन्ग रन आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। और वो जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके 100 में से 100 marks आ रहे होते हैं, जिनके 100 में से 95 marks आ रहे होते हैं या 100 में से 90 marks आ रहे होते हैं, उनका भी मेजर डिफरेंस यही होता है कि जिन लोगों के 100 में से 100 आ रहे होते हैं, उन्होंने डेली बेसिस पे एक भी दिन स्किप किए बगैर प्रॉपर प्रिपरेशन की होती है, और जिन्होंने डेली बेसिस पे नहीं किया होता उनके फिर वो प्रिपरेशन थोड़ी लैग कर रही होती है और उनके फिर उस तरह पूरे मार्क्स नहीं आ रहे होते, थोड़ा सा 5-10 marks का गैप आ रहा होता है। मूविंग फॉरवर्ड, जैसे ही 5-4 months गुजरे, मेरा GCU में एडमिशन हुआ, फिर जब GCU में भी क्लासेस स्टार्ट होगी, तो थोड़ी सी ना मुझे स्केड्यूल को चेंज करने की ज़रूरत फील हुई, बिकॉज मैंने आधा सिलेबस ऑलरेडी एकेडमी में पढ़ लिया हुआ था और अब GCU में स्टार्ट से सिलेबस पढ़ा रहे थे वो। अगर मैं दोबारा से स्टार्ट से करता तो एक तरह से मेरे जो 4-5 months मैंने पढ़ा वो वेस्ट हो रहे थे। सो मैंने क्या किया कि मैंने अपनी अकेडमी को ही प्राइमरी रखा, उनके अकॉर्डिंग मैंने स्टडी की, बट मैं GCU डेली जाता था और वहाँ पर क्लासेस अटेंड करता था, उधर जो पढ़ाते थे मैं वो सीखता था। एक ही सब्जेक्ट आप दो टीचर से पढ़े ना, आपको सीखने को डिफरेंट मिलता है, टीचर अपने डिफरेंट तरीके से पढ़ाता है, और GCU के टीचर्स इतने अच्छे थे, वो आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स इस तरह के न्यू बताते थे कि जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते थे। और जो MTKT के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम FSC में मोस्टली नहीं पढ़ाए जाते, वो भी GCU में कुछ सर्स थे जो पढ़ा रहे थे वहाँ पर, और थोड़ी सी ना MTKT की भी प्रिपरेशन मेरी उसमें हो रही थी। सो मैं क्लासेज जाके अटेंड करता था, जिससे मेरी पुरानी भी रिवीजन होती थी और मुझे कुछ नया भी सीखने को मिलता था। सो जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई तो मैंने स्केड्यूल को थोड़ा डिफरेंट किया, बिकॉज मैंने यूनिवर्सिटी भी जाना है, मैंने अकेडमी भी जाना है, और मैंने अपना सेल्फ स्टडी का भी टाइम निकालना है। एंड कीपिंग इन माइंड के जो बेसिक रूल है कि मेट्रिकुलेशन FSC आपने डेली 6 hours सेल्फ स्टडी के निकालने ही निकालने हैं, अगर आप नहीं निकालेंगे तो आपको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप वो बुक्स को याद कर सकें, अगर आप बुक्स को याद नहीं करेंगे तो आपकी टेस्ट वगैरह की प्रिपरेशन ही होगी और इन द लॉन्ग रन आपके मार्क्स भी कम आएंगे। सो मैंने क्या किया कि मैं मोस्टली 8 बजे जाना यूनिवर्सिटी और 12 बजे तक हमारे साइंस के सब्जेक्ट्स ना कंप्लीट हो जाते थे उनकी क्लासेस, तो मैं मोस्टली साइंस की क्लासेस अटेंड करके ना मैं घर आ जाता था। मैं मोस्टली इंग्लिश उर्दू की क्लासेस अटेंड नहीं करता था, कभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास हो या कोई ऐसा टॉपिक हो जो मैंने पढ़ना हो तो मैं उनकी अटेंड करता था, वरना नहीं करता था, बिकॉज मैं खुद से भी पढ़ रहा था उनको डेली बेसिस पे और वो मेरी काफ़ी अच्छी उनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हुई हुई थी। सो 12 बजे जब मैंने घर आना, तो 1 PM के अराउंड मैंने दोबारा स्टडी के लिए बैठ जाना है और 6 बजे तक मैंने 5 hours सेल्फ स्टडी करनी है, जिसमें मैंने जो 1 day बिफोर अकेडमी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के टॉपिक्स पढ़े थे मैंने उनको याद करना था, उनको रिवाइज करना था उन 5
आर्ट्स में, फिर मैंने एकेडमी चले जाना, उसी तरह एकेडमी जाके क्लासेस अटेंड करनी है, 10 बजे घर आना है, 2 आवर्स का ब्रेक लेके 1 PM 2 PM ये 2 आवर्स मैंने फिर इंग्लिश उर्दू पढ़नी है, एंड द साइकिल कीप्स ऑन रिपीटिंग जिस दिन मैंने यूनिवर्सिटी नहीं जाना उस दिन मेरे पास 4-5 आवर्स एक्स्ट्रा बजे थे, उस दिन मैं थोड़ा रिलैक्सड होके अपने जो अकेडमी में पढ़ाता था उसको रिवाइज करता था, लेकिन जिस दिन अकेडमी जाना उस दिन थोड़ा टफ स्केड्यूल होता था। तो इस तरह मैं इस साइकिल को 2 ईयर्स फॉलो करता रहा और फिर मैंने FSC की एग्ज़ाम दी एंड आई गॉट 1030 marks आउट ऑफ 1100। और आई रिमेंबर 2015 में जो टॉप मार्क्स है ना इन FSC लाहौर बोर्ड वो 1036 थे और मेरे 1030 थे, सो सिर्फ 6 मार्क्स का डिफरेंस था, तो ये काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। अगर मैट्रिकुलेशन की बात की जाए तो मैट्रिकुलेशन में लाइक 1020 पे बोर्ड का टॉप होता था और मेरे 990 थे, लाइक देर वॉज अ डिफरेंस ऑफ 30 मार्क्स, और FSC में आके देर वॉज डिफरेंस ऑफ ओनली 6 मार्क्स, तो मैंने बहुत ज़्यादा FSC में इम्प्रूव किया था। एंड देर इज़ अ पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक हेयर, इसके ये जो 2 ईयर्स इन मैट्रिकुलेशन 2 ईयर्स इन FSC एक आपको कॉन्स्टेंट साइकिल में चलना होता है, डेली की बेसिस पे जो आपने पढ़ा उसको याद करना होता है, ये तभी पॉसिबल होता है जब यू एंटर इन अ स्टेट ऑफ फ्लो एंड नाउ यू हैव टू नो वट इज़ द स्टेट ऑफ फ्लो। जब आप अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म कर देना कि लाइक आपने ये क्लियर अपने माइंड में रखा हुआ कि आपने कहीं ज़्यादा वेकेशंस पे नहीं जाना 1-2 वीक्स के लिए, आपने डेली क्लासेस यूनिवर्सिटी की या एकेडमी की अटेंड करनी है, डेली की बेसिस पे पढ़ना है आपने, अभी कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, यू डोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम और टिकटॉक नाउअडेज, तो आप एक स्टेट ऑफ फ्लो में आ जाते हैं, आपको पता होता है कि अब आपने इस टाइम जाना है यूनिवर्सिटी, इस टाइम वापस आना है, इस टाइम यू आर सपोज टू बी स्टडिंग, फिर आपके जो सारे फ्रेंड्स होते हैं दे आर विद यू इन द जर्नी, आपकी उनसे कोई बात भी हो रही होती है तो वो स्टडी से रिलेटेड हो रही होती है कि यार ये टॉपिक आपने पढ़ लिया है, ये टॉपिक आपने याद कर लिया है, या ये टॉपिक आपने किस तरह से प्रिपेयर किया, ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा, आप उनसे कोई डिफरेंट बातें नहीं कर रहे होते कि जो आपका टाइम वेस्ट कर रही हो, आप उनसे वही बात कर रहे होते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होती हैं, दैट हेल्प यू इन योर स्टडीज़। सो ये सारा जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है ना, ये जो स्टेट ऑफ फ्लो क्रिएट होती है, दिस हेल्प्स यू कीप गोइंग। और ये जो 4 ईयर्स हैं इट इज़ अ लॉट ऑफ टाइम कि आप इसी तरह एक रूटीन को फॉलो करते रहें, पढ़ते रहें, और ये स्टेट ऑफ फ्लो में आना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू वॉन्ट टू गेट एनी थिंग आउट ऑफ दिस वीडियो इज़ के आप अपने लिए एक स्टेट ऑफ फ्लो बनाएं, एक स्टेट ऑफ फ्लो में आएँ, और उसमें आने के लिए सबसे ज़्यादा कंपल्सरी यही है कि आप अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करें, एक माइक्रो गोल्स बनाएं, एक मैक्रो गोल्स बनाएं। माइक्रो गोल्स में आपको पता होना चाहिए कि आपने डेली बेसिस पे आपके क्या गोल्स हैं, आपने क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कितने पेजेस आपने याद करने हैं, और मैक्रो गोल्स यही है कि विद इन लाइक 2 मंथ्स आपके कितने टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, कितने चैप्टर्स आपको आते हैं, फिर आफ्टर 7-8 मंथ्स आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद आपने फुल बुक टेस्ट देने, अपनी पेपर प्रेजेंटेशन कंप्लीट करनी है, अच्छी करनी है, और उसको अपने पेपर को मोस्ट प्रेजेंटेबल, मोस्ट यूनिक, मोस्ट डिफरेंट बनाना है, तो वो आपके मैक्रो गोल्स में आते हैं। और आफ्टर लाइक योर 10th class या इन योर फर्स्ट ईयर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, सेकंड ईयर के बाद आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, सो ये माइक्रो और मैक्रो गोल्स के गो टुगेदर, और आप स्टेट ऑफ फ्लो में आके ये जो 4 ईयर्स हैं या आपका जो जर्नी है आप इसको कंप्लीट करते हैं। आफ्टर FSC द फाइनल हर्डल यू हैव इन बिटवीन यू एंड गेटिंग इन टू अ मेडिकल स्कूल इज MD CAT, ऑब्वियसली जिसका 50% वेटेज है। अब MD CAT में भी आपने एक अकेडमी ज्वाइन कर लेनी है जो आपको सूट करती है, उसमें आपने डिफरेंट टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं डेली बेसिस पे, पहले टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, फिर फुल बुक टेस्ट होते हैं, आप उनमें प्रैक्टिस करें, आपने ऑलरेडी FSC में सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं, याद किए होते हैं, नाउ इट इज़ द एग्ज़ाम ऑफ योर नर्व्स कि आपने किस तरह से आप वो प्रेशर को टैकल करते हैं और वो एग्ज़ाम्स को अटैम्प्ट करते हैं। MD CAT में जो मेन स्ट्रेटजी विच आई फाइंड यूज़फुल जो अप्लाई होती है वो यही है कि आपने जो आपके एग्ज़ाम का एग्जैक्ट पैटर्न है ना, आपने उस पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। लाइक आपके 200 MCQs का एग्ज़ाम है ना, तो आपने जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आपने 1 सिटिंग में 200 MCQs ही सॉल्व करने हैं। अगर आप 50-100 MCQs सॉल्व करें तो आपकी उस तरह की रिफ्लेक्सेस नहीं बन रहे होंगे जितने 200 MCQs के लिए चाहिए। और वो एग्ज़ाम भी इस तरह के आपको हर सवाल पे सोचना पड़ता है, एवरी क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट इन दैट एग्ज़ाम, और अगर आपने 190 प्लस उसमें स्कोर करना है सो आपके सारे के सारे ही क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए, फिर उसमें से पॉसिबिलिटी होती है कि 4-5 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए तब आपके 190 प्लस स्कोर आता है उसके अंदर। सो अ माइनर स्टडी स्ट्रेटजी डिफरेंस दैट कम इन योर MD CAT एग्ज़ाम, इसके MD CAT में ये मैटर नहीं कर रहा होता कि आप डेली बेसिस पे कितना पढ़ रहे हैं, किस तरह आप रिवाइज़ कर रहे हैं, बट इट मैटर्स कि आपने जो रिवाइज़ किया है आपको वो कितना अच्छी तरह से आपके माइंड में रिटेन कर रहे हैं और आपका कॉन्सेप्ट किस लेवल तक क्लियर है। सो अगर आप MD CAT में सारे कॉन्सेप्ट रूट लेवल तक क्लियर रखें,
और आपने अगर एक चीज़ पढ़ ली है और आपको वो चीज़ दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं फील हो रही लाइक इन आप मैटर ऑफ 3 to 4 months, तो इट्स मीन कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं आपसे वो भूल रहा है आपको और आपको उसको रिवाइज़ करने के लिए दोबारा याद करना पड़ रहा है, तो इट मीन्स के देर इज़ सम प्रॉब्लम इन द कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव। तो आपको वो कॉन्सेप्ट्स को दोबारा रिवाइज़ करके इस तरह बनाना पड़ता है कि आप एक कॉन्सेप्ट एक दफ़ा पढ़ें तो विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ लाइक 2-3 months आपको वो कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज़ ना करना पड़े। आफ्टर रिवाइजिंग दैट कॉन्सेप्ट यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आप एग्जाम में जाके वो कॉन्सेप्ट अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसको अटैम्प्ट करते हैं, उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड आफ्टर योर एम डी कैट एग्जाम यू आर डन, आपका जर्नी अब एंड पे है, अब बस आपका एम डी कैट का रिजल्ट आना है, आपके मैट्रिक का रिजल्ट आपके पास है, एफ एस सी का रिजल्ट आपके पास है। एम डी कैट का रिजल्ट आएगा तो आपका वो उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 10% मैट्रिक, एफ एस सी 40%, एम डी कैट 50% के अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनेगा और फिर आपको रिवील हो जाएगा कि आपका किस गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल में एडमिशन हुआ है। एंड आई स्टिल रिमेंबर इन 2015 जब मेरा कंप्लीट मेरिट कैलकुलेट हुआ था एंड आई गॉट एडमिटेड इन अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज विच इज़ एफिलिएटेड विद लाहौर जनरल हॉस्पिटल, तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी कि मेरा फर्स्ट टाइम में ही मेडिकल स्कूल में एडमिशन हो गया, आई डोंट हैव टू रिपीट एनी ईयर और इम्प्रूव मार्क्स, सो इट वॉज़ अ ब्लेसिंग इन इट्स ऑन, आई वॉज़ रियली हैप्पी। और उस दिन आपको जाकर रियलाइज़ होता है कि ये जो 4 years की स्ट्रगल आप करते आ रहे हैं फ्रॉम लाइक योर 9th class डेली बेसिस पे स्टडी करना और ये साइकिल के थ्रू आप चल के आते हैं, फिर जब आपका एडमिशन होता है ना तो वो सारी जो आपका एफर्ट होती है वो सारी उसका फ्रूट आपके सामने आ जाता है एंड आपको इतनी ज़्यादा खुशी होती है एंड इट इज़ सच अ ब्लेस्ड और प्रिविलेज प्लेस टू बी इन लाइक यू आर स्टडिंग इन गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल। सो दिस वॉज काइंड ऑफ माई जर्नी आई वॉन्टेड टू शेयर विद ऑल ऑफ़ यू बिकॉज मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस रिसीव होते हैं 9th class, 10th class, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स से कि हमें बताएं कि हम किस तरह स्टडी करेंगे, हमारा गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल में एडमिशन हो जाए, हमारे लाइक 9th class में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो हम 10th class में हम कितने मार्क्स लें तो हमारा एडमिशन हो जाए, या एफ एस सी फर्स्ट ईयर में हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, देर आर सम प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ इन देयर फैमिली, या उनको भी हेल्थ इशूज़ थे, सो देर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हर मेडिकल स्टूडेंट या कोई प्री मेडिकल स्टूडेंट फेस कर रहा होता अपनी लाइफ में। एवरीवन इज फाइटिंग विद देयर ओन वॉर्स इन देयर ओन लाइव्स, सो व्हाट आई कैन से इज के अगर आपके मैट्रिकुलेशन में 9th, 10th class में मार्क्स अच्छे नहीं भी आए तो इट इज़ नॉट अ बिग इशू, एफ एस सी इज़ द मेन थिंग बिकॉज एफ एस सी 40% और एम डी कैट 50% है, तो आप एफ एस सी में बहुत अच्छा मार्क्स परफॉर्म करें, डेली बेसिस पर स्टडी करें जिस तरह मैंने बताया और आप उसको लेके चलें फॉर द नेक्स्ट 2 years आफ्टर एम डी कैट, तो इट इज़ प्रीटी गुड चांस कि आपके मैट्रिकुलेशन में अच्छे मार्क्स नहीं भी हैं तो आप एफ एस सी में मार्क्स अच्छे लेके एम डी कैट में मार्क्स अच्छे लेके मेडिकल स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। एंड इफ़ एनी वन आउट देयर जिसके एफ एस सी में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो इट इज़ नॉट अ बिग इशू अगेन, आप अपनी एफ एस सी को इम्प्रूव करें, एम डी कैट में अच्छा स्कोर परफॉर्म करें एंड स्टिल दे आर रियली हाई चांसेस कि आपका मेडिकल स्कूल में एडमिशन हो जाए, सो पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। अगर आपको 1-2 साल वेस्ट करने भी पड़ते हैं तो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज मेडिकल स्कूल में 1-2 ईयर मेडिकल करियर में इन जनरल 1-2 ईयर से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपके 1-2 ईयर वेस्ट हो भी जाते हैं तो कोई बात नहीं है, दे आर रेमेडिएबल एट द एंड, अगर आप मेडिकल स्कूल में आ गए हैं तो दैट्स ऑल दैट मैटर्स। सो एट द एंड आई वॉन्ट टू गिव 3-4 सजेशंस फॉर ऑल द 9th, 10th फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स जिनका ड्रीम है कि वो डॉक्टर बने एंड टू गेट एडमिशन इन अ मेडिकल स्कूल। एंड द नंबर वन इज़ के कभी भी इस जर्नी में लाइक 9th, 10th फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में स्टडीज़ को प्रॉब्लम ना बनाएं अपने लिए कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, यू आर स्टडिंग मोर देन लाइक 90-95% ऑफ द पीपल आउट देयर, इट इज़ ट्रू आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा एंड इट इज़ अ टफ जर्नी बिकॉज अब करेंटली हमारे टाइम पे 92,000-1,00,000 पीपल के दरमियान कंपटीशन होता था जिन्होंने मेडिकल स्कूल में एडमिशन लेना होता था, अब लाइक 2 लाख के राउंड कंपटीशन चला गया, इतना टफ कंपटीशन है, सो एक ये नेसेसिटी बन गया है, एक प्री रिक्विजिट बन गया है कि आपको 9th, 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 4 सालों में इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा कि आप अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते इन दोज 4 ईयर्स, फिर ही पॉसिबिलिटी होगी कि आपको प्रॉपर बुक्स याद होंगी और आपकी पेपर अटैम्प्टिंग स्किल्स इतने अच्छे होंगे कि आप इतने रिक्वायर्ड मार्क्स जो आपको चाहिए वो आप ला सकें और फिर एम डी कैट में भी अच्छा स्कोर कर सकें। सो ये पूरे सिनेरियो को पहले से अपने माइंड में बिठा लें कि ये एक फ़ाइट है, ये कंपटीशन है और इस कंपटीशन में आपने इस तरह से परफॉर्म करना है तभी आप इस कंपटीशन से एज अ सक्सेसफुल वॉरियर बाहर आएंगे। सेकंड एडवाइस इसके इस कंप्लीट जर्नी में अपने फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सोच समझ के बनाएं, सिर्फ उन्हीं लोगों को फ्रेंड्स बनाएं जो आपके साथ इस जर्नी में हों एंड यू नो कि वो उतने ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, उतने ही ज़्यादा कैपेबल, उतने ही ज़्यादा डेडिकेटेड हैं जितने आप हैं अपने फ्यूचर को लेके एंड यू आर सीइंग देम के वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं इन
योर स्टडीज एंड वो आपके साथ ही एक दिन फ्यूचर में किसी मेडिकल स्कूल में एज अ डॉक्टर होंगे, एज अ मेडिकल स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे. सो इन्हीं लोगों को अपने साथ इस चार ईयर के जर्नी में रखें तो ही आप एक डेडिकेटेड पर्सन बन सकते हैं, डेली बेसिस पर आप स्टडी कर सकेंगे. अगर आप ऐसे लोगों को दोस्त बनाएंगे जिनका फ्यूचर में एक गोल ही नहीं है कि उन्होंने डॉक्टर बनना है या उन्होंने अच्छा पढ़ना है, तो वो आपका टाइम वेस्ट करेंगे, वो आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में लगाएंगे, वो आपसे ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो स्टडी रिलेटेड नहीं होंगे, जिससे आपका पूरा रिदम ना चेंज होगा, वेस्ट होगा आपका टाइम. सो आप ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते आपका टाइम वेस्ट हो इन दोज फोर ईयर्स. तो ऐसे दोस्तों को बिल्कुल मतलब फ्रेंड ना बनाएं जो आपकी तरह डेडिकेटेड स्टडी में ना हो. उन्हीं लोगों को फ्रेंड्स बनाएं जो आपके साथ अच्छा पढ़ते हों, अच्छे मार्क्स लाते हों और जिनके साथ आपको मोटिवेशन फील हो, उनके साथ आपको एक फील हो कि दे आर विद यू इन द जर्नी और आपको इतना बुरा भी फील नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं. यू आर स्टडिंग मोर देन लाइक 90% ऑफ द पीपल आउट देयर. तो आपके लिए ना ये चीज़ें ईजी हो जाती हैं, आपके लिए ये जर्नी थोड़ा ईजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सच पीपल इन योर लाइफ. द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस फ्रॉम माई साइड इज़ के इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट. जस्ट बिलीव इन yourself, believe in your instincts. There are people before you like myself, जिन्होंने इसी जर्नी को फॉलो किया है. इस जर्नी को फॉलो करते हुए वो मेडिकल स्कूल में आए, उन्होंने MBBS किया एंड दे आर डॉक्टर्स नाउ. एंड देयर विल बी पीपल आफ्टर यू जो इसी जर्नी को फॉलो करते हुए मेडिकल स्कूल्स में आएंगे, दे विल बी ग्रेजुएटेड, फिर वो डॉक्टर बनेंगे एंड दे विल बी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स. सो डोंट बिलीव के आप किसी से कम हैं. सबके माइंड बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बस उसको यूटिलाइज़ करने का, उसको यूज़ करने का तरीका डिफरेंट होता है. एंड आई हैव टोल्ड यू माई वे कि मैंने किस तरह से इसको यूटिलाइज़ किया इन दोज फोर ईयर्स और आपको किस तरह यूटिलाइज़ करना पड़ेगा. सो कभी भी अपने आप को किसी से कम ना समझें. डोंट बिलीव के आप लेस इंटेलिजेंट हैं. एवरी वन हैव सेम इंटेलिजेंस लेवल, बस उसको यूटिलाइज़ करने का तरीका डिफरेंट होता है. हर किसी का डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है, हर किसी के डिफरेंट लोगों से एक्सपोजर होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर कुछ एक्वायर्ड स्किल्स आ जाते हैं जिससे अपने ब्रेन को बेहतर यूज़ कर सकते हैं, वो टेक्निक्स डिफरेंट इस्तेमाल कर सकते हैं. और कुछ लोगों को इस चीज़ों का बिल्कुल आइडिया नहीं होता, एक्सपोजर नहीं होता. सो आप जस्ट अपने ऊपर बिलीव रखें, ट्रस्ट द इंस्टिंक्ट्स. अच्छे लोगों को फ्रेंड्स बनाएं, अच्छे लोगों को देखें, अच्छे लोगों से मोटिवेशन लें. एस्पायर टू इंस्पायर, ये एक बहुत अच्छी फ्रेज यूज़ की जाती है. इसी चीज़ों का फॉलो रखें, अपना एक ग्रोथ माइंडसेट रखें इन दोज फोर ईयर्स. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप ये जो जर्नी है इसको एज अ सक्सेसफुल वॉरियर अचीव कर लेंगे एंड यू विल बी इन अ प्लेस यू ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ, दैट इज टू बी इन अ मेडिकल स्कूल एंड टू बी अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर इन फ्यूचर. एंड बाय सेइंग दिस दैट प्रीटी मच रैप अप दिस वीडियो. होप यू गेट समथिंग आउट ऑफ इट एंड लर्न समथिंग न्यू. इफ यू डिड, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू सी मोर कंटेंट लाइक दिस. आई एम करंटली इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सम मैट्रिकुलेशन एंड FSC गाइड्स एज आई रिसीव a lot of messages to make a video on those topics. If you have any question or a suggestion to make a video on, do comment down below on this video and I'll try to make that happen. Thank you for watching and I'll see you in the next one. Bye bye.